और भाई लोग क्या चाल, आ चुके एक नए जबरदस्त गेमप्ले के साथ। और ये वाला मैच स्टार्ट करने से कुछ ही देर पहले हम लोग स्कूल अपार्टमेंट्स में मुक्के और पैन का खेले थे चार कैंपरों से, जो कि पूरी फील्डिंग लगा के बैठे थे बिना फुटस्टेप दिए। उसके बाद हमें नॉक करके पैन एंड फिस्ट किया और हम पे रिकॉल भी नहीं था कि अपन रिवेंज लेने जा सके। इसकी वजह से मैं और मेरे टीममेट्स एकदम मतलब गुस्से में थे और एकदम आग भरी हुई थी। तो थोड़ा बहुत टॉक्सिसिटी भी है, तो हेडफोन्स भी लगा लेना और मजा बढ़ाएगा। तो चलो पहले तो हम लोग उतरते हैं जॉर्जो कंटेनर, जो कि हमारा फेवरेट ड्रॉप है और यहाँ पे बंदे भी काफी सारे आए। उतरते थोड़ी बहुत लूट करके अपन कर देते हैं पुश बंदों पे। सबसे पहले बंदा दिखा था जिसे इजी नॉक एंड फिनिश दिया। आगे और भी बंदे हैं। फुट आ रही है मेरे को, पता नहीं आवाज फुट आई थी। ये वेरा उससे साउंड आ रहा था मेरे टीममेट को और मुझे भी आया, तो पहले मैं एक नीड करता हूँ। मादर चोट की तरह बहुत है भाई, इसमें एक नॉक है। ये टीम यहाँ पे हो जाती है 1v3। और यार अगर अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज जरूर से लाइक कर देना, भूलना मत। अभी मेरे टीममेट ने कॉल दिया था कि कंटेनर्स पे बंदे हैं, मैं आता हूँ। और ये भाई साहब कंटेनर के अंदर बैठे हुए थे, जिसको इजीली ले लिया। और पीछे जो बंदे थे उन्हें मेरे टीममेट्स ने ले लिया। इस बंदे को यहाँ पे कंफर्म करके थोड़ा आगे की तरफ जाता हूँ जहाँ पे कुछ बंदे थे, जिसमें से मुझे सिर्फ एक ही किल मिला। और यहाँ पे जॉर्जो कंटेनर्स पूरे हो चुके थे क्लियर। तो अपन निकलते हैं पीछे की तरफ सिटी, जहाँ पे मजा ही आ जाएगा, देखना अभी। यहाँ बिना हम दोनों एकदम खेल रहे एक दूसरे के साथ। उस बंदे के पास इतने मौके थे बट बेचारे पे गन अच्छी नहीं थी यूज़ी, यार धोखा दे ही देती है। इस बंदे को नॉक करके फिनिश भी कर देता हूँ और सामने की तरफ जिस बंदे ने यूज़ी चलाई सीधा उस पे पुश करता हूँ। और यहाँ पे भी ना बढ़िया सा एक क्लच होने वाला है। ऊपर बंदे बैठे हैं, एकदम मुझे साउंड आ गया था एक्यूरेट। मैंने एक नेड पिन किया और मेरा पता एक बंदा यहाँ पे फटा और हाथ में अगर एमजी हो। और हाँ ये एमजी मुझे फ्लेयर ड्रॉप से मिली थी जो कि कंटेनर्स पे था। हाँ तो मैं बोल रहा था अगर हाथ में एमजी हो तो भाई कॉन्फिडेंस एकदम गलत ही लेवल का होता है। ये टीम को जैसे ही वाइप किया, देखो नीचे से और बंदे आ गए जिन्होंने मेरी टीममेट को नॉक एंड फिनिश दे दिया। अभी ये लोग मेरे पे पुश करने वाले हैं, इनसे मेरा फाइट भी होगा। बट देखो सामने जो रेड वाले घर है वहां से कुछ बंदे बिना मतलब का यहाँ पे उंगली कर रहे हैं। मतलब तुम यहाँ फाइट ले रहे हो और पीछे से कोई टैप टैप दे, कितना इरिटेशन होता है। उन बंदों पे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मुझे नॉक दिया तो भाई सच में मैं ट्रिगर हो गया था, मेरी वॉइस तो यहाँ पे आएगी नहीं। खैर अब जितना मुझे गुस्सा आ रहा था ना, मैं रिवाइव होकर सीधा इन पे कूद जाता हूँ। और मतलब गुस्से में एक गलती भी कर दी कि इनके मुंह पे कूद गया, हालांकि मैं बच जाता हूँ। बट ये बंदे ना निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे भाई, बस विंडो से पीक करेंगे, मारने का ट्राई करेंगे, छुप जाएंगे। काफी देर इन लोग से फाइट चला, काफी डैमेज वगैरह दिया और तुम देखना मतलब लास्ट में ना मजा आएगा। बस एक नॉक का वेट था जो कि मेरे टीममेट ने दिया। इसके बाद मैं बोलता हूँ चलो अब अंधा घुसो क्योंकि जोन भी आ रहा है। एक नॉक दे रहा, रुक
इस बंदे को मैंने प्री में ले लिया और इस बंदे की बातें सुन रहा अभी। इजराइल तो बोल रहा था भाई तुम फिस्ट करो इन लोग को, बट मैंने एक को फिनिश दे दिया। बाबा क्यों? तो मैं दूसरे को फिस्ट करता हूँ। ऊपर है, ऊपर है। और सुनो। अबे साले बॉट, साले रेयर रेबिट बॉट साले। नहीं मतलब मैं ओपन से आके भाई तुम पे पुश कर रहा हूँ, उधर पूरा क्लियर करके मैं बॉट, तुम प्रो प्लेयर हो जो बैठे हो घर पे। अब वहां से पूरा क्लियर करके हम लोग आते हैं रोजाओ की तरफ जहाँ पे कुछ बंदे दिखे थे। एक बंदा मुझे ड्रॉप के पास दिखा था जिसको एक टैप भी पड़ा, तो मैं थोड़ा और वहां पे ट्राई किया बट कोई नहीं मरा वहां पे। इस टीम को क्लियर करने के बाद थोड़े ही बंदे बचे थे जिन पे अपन सीधा पुश कर देते हैं। एक आध मेरे टीममेट से नॉक दिए थे और मैं गाड़ी लेके अंधा उन पे घुस जाता हूँ। अब यहाँ पे इजराइल भाई ने कहा जिसको भी नॉक करो उसे पैन करने का है। पहले पे तो मेरे को याद नहीं था, मैं फिनिश कर दिया गन से, दूसरे को पैन किया। अब बचा तो लास्ट बंदा जिसको हम लोग करने वाले थे जिंदा पैन, और इस बेचारे के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ बट कोई नहीं। इसको यहाँ पे पैन करके अपन चलते सीधा दूसरे मैच में जिसमें एकदम मजा आ जाने वाला है और बहुत सारे किल्स। हालांकि इसमें मेरी आवाज नहीं आएगी बट फेस कैम है और उतरते ही मुझे मिल जाती है वेक्टर जो कि मैं पूरे मैच में चलाने वाला हूँ। और पहले की अगर तुमने कुछ वीडियोस देखे हो तो भाई वेक्टर से क्या ही बवाल मचाया था मैंने, बस एक एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ चाहिए था जो मुझे मिल गया। अभी यहाँ पे छत पे दो टीम्स का फाइट चल रहा था तो मैं एक मॉली डाल देता हूँ जिससे ये बंदा बेचारा जल जाता है और इसका किल भी मैंने चुरा लिया। तीन किल्स यहाँ पे हो चुके थे। सामने वाले कंपाउंड में फुटस्टेप आया और एक और मॉली डाल दी यहाँ पे, एंड अगेन बंदा देखो बेचारा जलता हुआ भाग रहा है। एक और किल यहाँ पे मैंने कंफर्म कर लिया। सामने की तरफ फाइट चल रहा था तो सीधा इन पे पुश कर देता हूँ। पहले मैंने सोचा था नीड करूंगा बट यहाँ तो कुछ और ही सीन था, पता नहीं कौन इन्हें नॉक दिया था। फ्री के किल्स मुझे मिल रहे थे, मैं ले रहा था। अरे यहाँ पे बंदा है, ठीक है। अब एक किल मेरा भी यहाँ पे चोरी होता है बट ये 1 HP बंदा भी मिल गया। और देखना एक और फ्री का किल यहाँ पे मिला तो किस्मत बड़ी अच्छी थी, उतरते ही 7 किल हो गए थे और तभी मेरे टीममेट को किसी ने नॉक दिया जिस पे मैं अंधा पुश कर देता हूं। यार वेक्टर और एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉप प्लस सप्रेसर, मतलब इससे अच्छा कॉम्बो क्या ही हो सकता है। अब यहाँ पे एक और किल मुझे मिल जाता है, बस किल्स गिनते जाओ यार मजा आ जाएगा। पूछें कि लगभग यहाँ पे क्लियर हो चुका था, हम लोग यहाँ से निकलने का सोच ही रहे थे बट पहले इस भाई साहब को भी शांति दे देता है। अब हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे कि एक बग्गी आई जो कि पीछे वाले कंपाउंड पे रुकी है और वो बंदा मेरे टीममेट को नॉक भी कर देता है। अब वो है काफी ओपन में, रिवाइव देना काफी मुश्किल था बट अंधा स्मोक करता है और एक ही बंदा था तो सोचा कोई ना कोई रिफ्लेक्स में उसे मार ही लेगा। और यहाँ पे सीन देखना, स्मोक में से एक नेड पिन करता हूँ, चुपके से उसके पास जाता हूँ और अगर ये नेड से नॉक नहीं होता तो शायद वो मुझे नॉक भी दे सकता था। मेरी हेल्थ देखो, इसको फिनिश करके अब लग रहा था भैया पोचिंग की हो चुका है, खत्म, हम जा ही रहे थे। और तभी फिर अचानक से एक भाई साहब जागते हैं जिनको चुल थी कि भैया तुम कैसे जा सकते हो, पहले मुझे तो मार के जाओ। तो अपन सीधा इस पे पुश कर देते हैं। लो भाई तुम्हें भी लॉबी पहुंचा दिया। अब लग रहा था भाई पोचिंग की हो चुका है क्लियर, जा ही रहे थे कि चर्च पे और बंदे आ गए
अरे यार, अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो सिर्फ एक एक बंदा मिल रहा है, जैसे सोलो ही चल रहा हो, और यहाँ पे ओपन में इसराइल भाई को कोई पकड़ लेता है। अब मेरी टीममेट की हरकत देखना, उसे पैन करने जा रही थी, रुकना रुकना बोल के। और दीदी आ गया स्वाद, कर लिया पैन। भाई बात कर रही थी बंदे के साथ, क्या कर रहे हो यहाँ पे, और पीछे से बंदे ने पेल दिया। अब मेरे यहाँ पे अच्छे खासे किल्स हो चुके थे, जा ही रहा था कि पोचिंग की से फिर से किसी ने एक शॉट दिया, और ये बंदा थोड़ा मतलब दिमाग लगा रहा था, छत वत पे चढ़ के हमें 1v4 करने का सोच रहा था। बट ये बंदा भी सोलो। अब यार ये देख के ना मतलब लग रहा था यार कैसी लॉबी लग गई है, ऐसे ऐसे बंदे देखो ऊपर में लेटे पड़े हैं। बट मुझे उसे क्या, मुझे तो अच्छे खासे किल्स मिल रहे हैं। अब इन्हें लूट कर ही रहते कि पोचिंग की से कुछ शॉट्स आते हैं, और यहाँ पे हमारे एक आध टीममेट नॉक भी हो गए थे, रिवाइव होके सीधा इन पे पुश कर देते हैं। अब यहाँ पे तो बंदे थे, इन पे मैं पुश करने ही वाला था कि पहुंचे कि सिटी से भी एक थर्ड पार्टी हुआ जिसने हमारे एक टीममेट को फिनिश एंड एक को नॉक कर दिया। और जैसे तैसे करके ये वाली टीम को भी खत्म कर देते हैं। और मेरे किल्स देखो यार, अच्छे खासे किल्स हो चुके थे। हम बंदे ढूंढ ही रहते हैं कि हिल पे गोलियां चलने की आवाज आई, और अंधा घुस रहे थे क्योंकि लॉबी बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। ये वाली टीम भी इजीली यहाँ पे वाइप हो गई, और 21 किल्स मेरे हो चुके थे। मैं टीममेट्स को बोल रहा था यार अब किल्स थोड़े मुझे लेने दो, बट नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे भाई, तू तेरा देख वाला काम है यहाँ पे। और इसी वजह से एकदम अंधा घुस रहा था भाई, सामने वाले पे डीपीएस हो कुछ भी अपन घुसेंगे। अब यहाँ पे अपन घूम ही रहे थे कि सामने इसराइल ने एक बंदे को स्पॉट किया, और ये बंदा देखो भाई M249 से कितना प्री दे रहा है मेरा टीममेट, देखो तुम बस। बेचारे को समझ ही नहीं आया कब उसके पीछे आ गया, इतना ज्यादा प्री दे दिया इसराइल ने। और थोड़ी देर बाद पीछे से एक और बंदा जो कि घास में लेट के इसे नॉक दे दिया, और अभी देखना बेचारे के साथ कितना गलत सीन होता है। कॉल सुनना इसके, एंगल पे नहीं, एंगल पे नहीं हो, एंगल पे, एंगल पे नहीं हो। बेचारे को लग रहा है वो सेफ है, और एक बंदा स्नाइपर लेके बैठ रहा था जो इसे फिनिश कर देता है। अब बचे लास्ट के कुछ ही बंदे जिसमें से एक किल मुझे और मिल जाता है, और बाकी के दो बंदों को मेरा टीममेट ले लेता है। अभी बचे लास्ट के दो बंदे, हम लोग उन्हें ढूंढ लेके नहीं निकलते ही है कि मुझे ऊपर स्पॉट हो जाता है, और ये स्प्रे देखना। वो बंदे को भी समझ नहीं आया इतना जल्दी कैसे नॉक हो गया वो, और इसका जो लास्ट टीममेट बचा है वो भी ऊपर दौड़ रहा है। अब यार देखो, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, 200 के हम लोग बहुत क्लोज है, तो मतलब कर देना बस। और इसी तरह से 26 किल्स चिकन डिनर एक और यहाँ पे हो जाता है। कुछ दिन पहले मैंने KR वाला 26 किल्स डाला था, और आज BGMI कभी हो गया। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, और फिर से याद दिला दे रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते अगर डैमेज भी देखना चाहो तो देख लो। बाय बाय, टेक केयर गाइस।